इसमें की अवेलेबिलिटी, बिहेवियर, कॉम्पिटेंस, डेक्सटरिटी, एम्पैथी, ये क्वालिटी डिस्कस की। थोड़ा बहुत ये डिस्कस किया था कि भाई जब पेशेंट तुमको अप्रोच करता है तो क्यों पेशेंट तुमको पास करे, क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनर तो बनी रहे, तो भाई जो तो पेशेंट पास, ये जो तुम्हारे अंदर अपनी क्वालिटी है, अवेलेबिलिटी, बिहेवियर, कॉम्पिटेंस, डेक्सटरिटी, एम्पैथी ढूंढ रहा है मरीज को, तो बहुत सारे डॉक्टरों में ढूंढ रहा है तो नहीं खोजते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कुछ सर्कल बनाए, हम लोग इनको जो है वो ये पढ़ा रहे हैं
अब इनका जो सब्जेक्ट है जो इनको सामना जिसका फेस करना है, जिंदगी भर उसी का सामना फेस कर, वही इनका एग्जाम रहा है। उसका नाम है पेशेंट, और पेशेंट को कलेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम समझने की गलती ना करें, क्योंकि वो है नहीं उसमें। बॉडी के अलावा जो है एक माइंड भी है, एक हार्ट भी है जो वर्ल्ड ऑफ थॉट्स और इमोशंस में रहता है, उसके पास जॉब भी है, उसके पास घर भी है, उसके पास रिलेटिव्स भी हैं जो उसको लव करते हैं, लाइक करते हैं। तो एक पैराडाइम शिफ्ट है क्लिनिकल साइड, उस पैराडाइम शिफ्ट से अडेप्ट होना जरूरी। जो मरीज इनको पास और फेल करता है, हमने ये बताया कि वो इन गुणों पे करता है, अवेलेबिलिटी, बिहेवियर, कॉम्पिटेंस, डेक्सटेरिटी और एम्पैथी। और आजकल जैसे मान लो उसको लैप्रोस्कोपिक कोलेक्टोमी करानी है, तो गूगल बाबा से वो सर्च कर सकता है इन गुणों में। तो अगर कंटिन्यूसली ये एबीसीडी प्रैक्टिस करते हैं, और ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू या हियरसे के थ्रू मरीज जानता है, तो इनको चूज करके आएगा, वो चूज करके इनकी क्लिनिक में आएगा। तो क्लिनिक में सबसे पहले उसको क्या देखेगी, एम्बियंस देखेगी, जो उसके चारों तरफ लोग हैं वो उसको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, या कितनी बुराई करते हैं। इसलिए बाकी कोई तुम्हारी कितनी भी बुराई करे, आपस में तुमको एक दूसरे की बुराई कभी नहीं करनी, क्योंकि जो पत्थर फेंकता है उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, क्योंकि तुम भी क्योंकि रेपुटेशन की खाते हो, इसलिए कि दूसरे की रेपुटेशन हिट नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं हिट करनी। दूसरा, वहां पे लाइटिंग कैसी है, सिटिंग कैसी है, वेलकम कितना कैसे है, रिसेप्शनिस्ट कैसे बात कर रही है, रिसेप्शनिस्ट फोन पे बात कर रही है, आप खड़े कहती है वहां बैठ जाइए, अभी तक आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, पर खाली उस मूर्ख की वजह से उसका मूड खराब हो गया, एक घंटे से बैठा हुआ है, उसके बाद वो उठ के पहुंचा, आज टाइम खत्म हो गया, कल फिर आइएगा। ये जो चीजें हैं जो कि आपकी एम्पैथी को हिट करती, ये बदतमीजियां हैं, समझे, इसी वजह से लोग पिटते हैं, इसी वजह से क्लिनिक चलाई जाती, इसी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम जब आपसे गलती हो जाती है तो आप पे 10 करोड़ रुपए का दावा लगा के आपको बनियान जानिया में उतार देते। तो ये चीज है किसी भी लेवल पे, आपका जो है बिहेवियर आप ही का नहीं, डाउन द लाइन सभी का, डाउन द लाइन आपके सिस्टम में सभी का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। और जिसका बिहेवियर खराब है, एक बार समझाना, दूसरी बार और नहीं, और तीसरी बार आउट। अब इसके बाद मरीज आपके पास जब आता है तो आपका चेहरा देखता है, डिमीनर देखता है, आप खुद ही टेंस हो तो दूसरे को क्या सुख दे पाओगे। आपने उसको वेलकम किया, इससे ये सिद्ध होता है कि आपके लिए वो बोझ नहीं। अगर आपने कह दिया आज टाइम खत्म हो गया, कल फिर आइएगा, आपका 24 घंटे का टाइम मरीज का है, वो इस पर छुट्टी वुट्टी नहीं है। अगर आप हैं तो आप मरीज को रिसीव करें, ये नहीं कहेंगे कि बुधवार को मेरा दिन है, बुधवार को ओपीडी में आइएगा, ये आपका स्वभाव ही नहीं होना चाहिए। मैं डायरेक्टर हूं, मेरे कमरे में
बिल्कुल अनजान लोग चले आते हैं तो मैं उनको देख लेता हूं। डायरेक्टर का काम यह भी हो सकता है, डायरेक्टर को थोड़े ही ओपीडी में जाके दिखाइए, कह सकते कभी नहीं, नेवर। और ये चीजें आपको अपनी गांठ बांध लेनी है, दे हैव टू बिकम पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। अब इसके बाद यह है कि मैं आपके पास आया, मैंने कहा सर वो मैं उनकी जान पहचान का हूं, सर वो उन्होंने भेजा है आपका नाम लेके और आप जानते नहीं कि वो कौन है, वो विधायक जी थे, वो उन्होंने सर आपका नाम लेके भेजा। आपका एक रिएक्शन है कौन विधायक, दूसरा रिएक्शन अच्छा अच्छा उन्होंने भेजा है, बैठो बैठो अभी देखो, नहीं याद आया आपको कि कौन है किसने भेजा, पर तो वेरी फैक्ट कि आपने उस आदमी को इंपॉर्टेंस दी जिसने भेजा है, मरीज का कॉन्फिडेंस आप में बढ़ गया कि अब हमारे साथ कोई गलत नहीं। बात समझ में आई? तो ये एक ऐसी चीज है, डॉक्टरी एक ऐसी चीज है जिसमें पेयरली वेलकम है। क्या है? पेयरली वेलकम है। कोई विधायक आके कहे कि फलाने स्टूडेंट को पास कर दीजिए, इसको फर्स्ट ले आइए, ये पेयरली वेलकम नहीं है। पर जब वो ये कहता है कि ये मरीज डॉक्टर साहब देख लीजिएगा, ये पेयरली वेलकम है। आपने बात समझ ली क्यों? उसके बाद ये जो अखबारबाजी होती है, एक हमारे सीनियर रेजिडेंट ने ए नेगेटिव गलती से लिख दिया, ए पॉजिटिव ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म, पीएमसीएच में गया, उन्होंने फोन करके बता दिया ए नेगेटिव नहीं, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव ब्लड आया, मरीज को ए पॉजिटिव ब्लड दिया। ठीक है, जब ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म जाता है तो वो ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म के साथ ब्लड सैंपल जाता है और ब्लड बैंक का काम है ये देखना कि वो कौन सा ग्रुप है और क्रॉस मैच करके वो बॉटल भेज देते हैं। जब वो बॉटल भेज देते हैं तो ब्लड की बॉटल पे, ब्लड की फॉर्म पे और मरीज की आइडेंटिटी, ये तीनों चीजें कंफर्म करके तब हम ब्लड लगाते हैं। हमारा काम पहले से ही बताना नहीं है कि ये ए पॉजिटिव ब्लड है, अगर उसने ए नेगेटिव लिख भी दिया तो उसका कोई दायित्व नहीं। इतनी बड़ी खबर हिंदुस्तान में कि एम्स के डॉक्टर ने ब्लड ग्रुप गलत लिख के भेज दिया, इररिस्पॉन्सिबल बात। अमीर लोग तो कहीं भी चले जाएंगे, ये मजबूरी में गरीब यहां पे आता है। अगर इस तरह की बदनामी हमारे हॉस्पिटल की, हमारे इंस्टीट्यूट की फैलाएंगे मीडिया वाले तो मरीज बेचारा कितना घबराएगा हमारे पास आने। इररिस्पॉन्सिबल था, गलत तो नहीं करना है। तो कभी भी दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, ना सुनो ना देखो और ना करो, ये गांठ बांध लेनी चाहिए। किसी की इज्जत टूटना, किसी की बुराई करना बहुत बड़ा पाप और उससे सारा का सारा समाज नीचे गिर। करप्शन करप्शन चिल्लाते चिल्लाते सारा देश करप्ट हो गया, हम सब करप्ट है क्या? तुम करप्ट हो, क्या करप्शन कर लिया भैया? कौन सी तुम्हें अपॉर्चुनिटी करप्शन की मिल गई? 99.9% हमारा देश करप्ट नहीं है। वो मजदूर वो रिक्शे वाला क्या करप्शन करेगा, पर सारा भारत करप्ट हो गया क्योंकि हम लोग एक दूसरे के ऊपर करप्शन के तीर चलाया करते हैं। इसलिए बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, गलत बुराई को बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
अपनी दुकान बढ़ाने के लिए दूसरे की बुराई करना गलत है, कभी मत कर। जब ये मरीज तुम्हारे पास आया और तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और तुमने उसको वेलकम किया, या वो जिस भी रास्ते से आया है उसको तुमने वेटेज दिया, तो मरीज का कॉन्फिडेंस तुम में बढ़ा। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि तुम उससे दो सवाल पूछते, When were you completely all right? And then what happened? तो सबसे पहले तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाटा कलेक्शन। और डाटा कलेक्शन में सबसे पहला डाटा होगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिमोग्राफी, मतलब ये उस चीज को डिस्क्राइब करती है कि जो भी घटना हुई है, अप्रिय घटना हुई है जिसका तुम्हें इलाज करना है, उसका टाइम प्लेस और पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कब हुई, कहां हुई और किसमें हुई। और इसके बाद ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जो एक्सरसाइज है डाटा कलेक्शन की, ये डिटरमिनेंट का भी अंदाज देती है कि क्यों हुई। और आखिर में ये एक सवाल आंसर करने की कोशिश करती है, वो है देन करें क्या, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू ट्रीट। और आखिर में ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है प्रॉब्लम। तो डाटा कलेक्शन का पर्पस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमिनेंट की आकलन है, की एनालिसिस है। और हमने पिछली बार तुमको बताया था कि डाटा कलेक्शन कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव कैसा होगा, रोड लर्निंग से होगा। कोई हमसे पूछे कि पेन की हिस्ट्री कैसे लोगे, तो सेक्स कैरेक्टर इंटेंसिटी रेडिएशन ऑनसेट कोर्स ड्यूरेशन ट्रीटमेंट टेक इन रिस्पॉन्स एग्रीवेटिंग फैक्टर रिलीविंग फैक्टर एसोसिएटेड फैक्टर, ऐसे लेंगे। ना एक बढ़ा सकते हो ना एक घटा सकते। कोई हमसे पूछे तो आप स्वेलिंग कैसे एग्जामिन करोगे, तो साइड शेप एक्सटेंट सरफेस मार्जिन टेम्परेचर कंसिस्टेंसी रिलेशनशिप विद सराउंडिंग स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस, ऐसे लेंगे। ना एक बढ़ा सकते हो और ना एक घटा सकते, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये चेकलिस्ट होनी चाहिए और चेकलिस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यूजुअली हुआ ये कि यहां पे हॉस्टल के सामने मिले और दांत पढ़ा रहे बेटा अभी बात करते, हाँ आ रहे हैं पर तुम क्लास पढ़ा रहे हैं अभी बात करते हैं। तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेकलिस्ट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रिसाइज। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यह है कि जो पूछना है वो पूछ लो, जो नहीं पूछना है वो रिडंडेंट है, वो नहीं पूछना है, पर तुम्हारे दिमाग में प्लान होनी चाहिए ये पूछो। दूसरी चीज हमने कही थी कि ये वैलिड होना है। वैलिड का मतलब यह है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड के क्लोज होना चाहिए। अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो जितना असल में ब्लड प्रेशर है उतना ही मेजर करना चाहिए। अगर 10 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर ज्यादा मेजर कर रहा है, दैट विल मेक यू डायग्नोज अ नॉर्मल पर्सन एज हाइपरटेंसिव। और तीसरा है कि प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब यह है कि डॉक्टर साहब को अगर ब्रोंकियल ब्रीदिंग मिल रही है कहीं पे,
तो मुझको भी वहीं पे मिलनी चाहिए और तुमको भी वहीं पे मिलनी चाहिए. दैट मीन्स देयर शुड बी इंटर ऑब्जर्वर एग्रीमेंट एंड इंट्रा ऑब्जर्वर एग्रीमेंट. तुम भी बार बार देखो तो वही आना चाहिए. तो प्रिसीजन इज क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड रीडिंग्स टू ईच अदर. वैलिडिटी इज क्लोजनेस ऑफ दोज रीडिंग्स टू द ट्रुथ. ठीक है. इसके अलावा तीन तरीके हैं डाटा कलेक्शन. एक हिस्ट्री, एक एग्जामिनेशन और एक इन्वेस्टिगेशन. तो जिंदगी भर रिपीटेडली जो भी मरीज तुम्हारे पास आएगा सबसे पहले तो डाटा कलेक्शन करोगे. और डाटा कलेक्शन में कॉमन सी मिस्टेक, सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक कौन सी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है बायस. सबसे डिफिकल्ट मर्मर पहचाननी हार्ट में होती है एओर्टिक रिगर्जिटेशन की मर्मर, है ना, क्योंकि सेकंड हार्ट साउंड के बाद थोड़ी सी साउंड है और वो भी घटती हुई, है ना, लव डुक इस तरह की साउंड है, वो समझ में नहीं आती ना सुनाई पड़ती है. तो एक बार क्या हुआ कि एक हम लोगों को पता लग गया कि इंदार में एओर्टिक रिगर्जिटेशन का केस है, शॉर्ट केस. तो कहा भाई कैसे पहचाने इसको? तो किसी ने कहा दाढ़ी है. तो बहुत सारे लोग उस दिन कई दाढ़ी वालों को एओर्टिक रिगर्जिटेशन कह गए और वो दाढ़ी कटवाया गया था इसलिए उसको एओर्टिक रिगर्जिटेशन नहीं कहा, क्योंकि डायग्नोसिस कैसे हो रही थी? दाढ़ी पे हो रही थी. ठीक है. तो कुछ फिजिकल साइंस रोबस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दाढ़ी है या नहीं है क्वाइट इजी टू सी, पर खाली एओर्टिक रिगर्जिटेशन की मर्मर है या नहीं है वेरी डिफिकल्ट. तो दाढ़ी बिकेम अ सरोगेट ऑफ द एओर्टिक रिगर्जिटेशन मर्मर. सरोगेट कहते हैं उसे. डेक्सा सबकी नहीं करा सकते बोन मैरो डेंसिटी नापने के लिए, इसलिए अल्ट्रासाउंड करके देख लो करोगे. ठीक है. तो इस तरह से जो डाटा कलेक्शन है वो कंप्लीट होता है. ठीक है. डाटा कलेक्शन में कॉम्प्रिहेंसिव, वैलिड एंड प्रिसाइज. और ये सब कैसे होता है? चेकलिस्ट, फॉलोइंग चेकलिस्ट एवरी टाइम. ये नहीं कि मेडिकल कॉलेज के सामने कहा कि उस फलाने बेड नंबर में एओर्टिक रिगर्जिटेशन की मर्मर है जाके देख लो, तो आप गए आपने ताला निकाला और एओर्टिक रिगर्जिटेशन की मर्मर सुन ली. नो. हर बार मरीज का आइडेंटिफिकेशन एंड डेमोग्राफिक डाटा से शुरू करके प्रोग्नोसिस तक सब चीज लिखेंगे आप उस मरीज के बारे में, तो आपको ये हिप्स हो जाएगी. हिप्स, हिप्स का अर्थ है याद हो जाएगी, फिर बोलने में इंतान में तकलीफ नहीं होगी. ऐसा नहीं कि इंस्पेक्शन पैल्पेशन परकशन भूल गए खाली ऑस्कल्टेशन करके चले आए. ये लक्ष्मण रेखा है जो कि प्रैक्टिस करनी है और जो कि कभी नहीं तोड़नी. ये याद रखना है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव, वैलिड और प्रिसाइज एग्जामिनेशन करेंगे. अब ये बताओ हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन के बाद इंटरप्रिटेशन आता है, इंटरप्रिट करके डायग्नोसिस बनानी पड़ती है. ऑलराइट. तो डायग्नोसिस के क्या कॉम्पोनेंट? डायग्नोसिस जब स्टेट करनी हो तो क्या क्या चीजें उस स्टेटमेंट आ
डायग्नोसिस एक स्टेटमेंट है जो पेशेंट की प्रॉब्लम हाउ ही और शी इज अवे फ्रॉम नॉर्मल ये डिफाइन करता है। और ये वाली डायग्नोसिस हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन बाद बनाई गई डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस कहलाती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद बनाई गई डायग्नोसिस फाइनल डायग्नोसिस कहलाती है। जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव सेफ टेस्ट पे बेस्ड है, जैसे ब्लड प्रेशर ले रहे हैं है ना, पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कॉस्टली भी है, इन्वेस्टिगेशन इन्वेसिव भी है, इन्वेस्टिगेशन की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन हमेशा डायरेक्शनल होता है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन की मरमर की तरह से है, दाढ़ी की तरह से नहीं है। क्लिनिकल डायग्नोसिस दाढ़ी की तरह से, दाढ़ी वाले में एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो डायग्नोसिस के कंपोनेंट्स क्या हैं? साइट, नेचर, कॉज, इफेक्ट और एसोसिएशन। साइट ब्रोंकस है, नेचर एलर्जिक है, कॉज फलाना एलर्जिन है, इफेक्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, कॉर पल्मोनेल हो रहा है, एसोसिएशन जॉन्डिस भी है, लंग इंफेक्शन भी है। तो साइट, नेचर, कॉज, अफेक्ट, एसोसिएशन। डायग्नोसिस वो स्टेटमेंट है जो मरीज के बारे में, उसकी डिजीज के बारे में, उसकी डिफरेंस फ्रॉम नॉर्मल होने के बारे में ये सारी चीजें डिफाइन करती है, ठीक है। इसके बाद एक होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या फर्क है? Other possibilities of which have lesser chance of being there. Diagnosis is the highest chance कि इसको ये है, और differential diagnosis is कि इसके chance जो है decreasing order of probability में बोली जाती है, ठीक है। So diagnosis और differential. यहां पे हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, एक हम कहते हैं कि ही इज अ केस ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस, और एक हम कहते हैं ही इज प्रोबेबली अ केस ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ राइट लेग। तो इसमें कौन सा ज्यादा, विच इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट? प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा रखनी चाहिए, यू आर नेवर श्योर। हो सकता है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, इसलिए हमेशा डायग्नोसिस में देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? ये टीबी है या नहीं है, हमने ये 100 मरीजों में टेस्ट किया, 100 मरीज उठाए बिल्कुल ठीक इसी तरह के, और हमने टीबी एसिड फास्ट वैसलाइज से डिमॉन्स्ट्रेट की कि इसमें टीबी बैक्टीरिया था नहीं, मान लो
तो ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है और हम अपनी क्लिनिकल डायग्नोसिस से कह रहे हैं टीबी है या नहीं है, तो हम क्लिनिकल डायग्नोसिस से कह रहे हैं है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो हम सही सिद्ध हो गए, हमने पॉजिटिव कहा एंड द पॉजिटिव वॉज ट्रू। ठीक ठीक है ना, जितने मरीज यहां गिरे वो ट्रू पॉजिटिव, हमने कहा नहीं है, हमने कहा नहीं है, हमने कहा नहीं है और सचमुच पर नहीं था तो ये ट्रू नेगेटिव हो गए। यहां पे इस स्क्वायर में हमने कह दिया कि है और असल में नहीं था, एटीटी गलत शुरू कर दिया तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो गए। लेट अस से गोल्ड स्टैंडर्ड ये है कि जब हमने एटीटी स्टार्ट किया तो ये वाले रिस्पॉन्ड कर गए और ये वाले रिस्पॉन्ड नहीं किए, किसी और चीज से रिस्पॉन्ड किए। तो प्रूफ ये था कि वो टीबी थे वो नहीं थे, जो एटीटी से रिस्पॉन्ड कर गए वो टीबी थे। तो चाहे ये क्लिनिकल डायग्नोसिस हो, चाहे ये फाइनल डायग्नोसिस हो, चाहे ये किसी इन्वेस्टिगेशन के एंड की डायग्नोसिस हो ऑफ टीबी, पर हमारे ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव होंगे और ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव होंगे, असल में था और हम मिस कर गए। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट तो हमको 6 हफ्ते बाद दिखेगा ना, ट्रीटमेंट हमें आज शुरू करना है। तो हाउ इज माई डिसीजन एबल टू टेस्ट, able to stand the test of gold standard, gold standard को ये test कैसे stand कर पाता है, इसका मतलब false positive कम होने चाहिए, false negative कम होने चाहिए और true positive true negative ज्यादा होने चाहिए। और अगर यहां पर मान लो 1000 cases हैं और ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव मिलके 1000 हो जाते हैं, दैट मींस फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव 0 है, तो माय टेस्ट इज इक्वल टू गोल्ड स्टैंडर्ड। बात समझ में आ गई, आ गई नहीं आ गई? तो हियर एक्यूरेसी बिकम्स 100%, एक्यूरेसी इज इक्वल टू टीपी प्लस टीएल डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। बात समझ में आ गई? इन आइडियल सिचुएशन सर इज इट पॉसिबल दैट 100% ट्रू पॉजिटिविटी? यस, फॉर एग्जांपल आई से दैट देयर इज अ कोलिसिस फ्रैक्चर, आई जस्ट सी एंड से इट देयर इज नो प्रॉब्लम टू वॉमिटिंग, then perhaps in 100 out of 100 I'll be right, because dinner fog deformity में ये पहचानी आती है, पर bronchial breathing है नहीं है, इसमें जो है वो ये accuracy घट जाएगी। तो there are physical signs or investigations that are more accurate than others। ठीक है, तो अगर ब्रोंकियल ब्रीदिंग में कोई गलत गलती कर दे तो दिपेन जी उसको माफ कर देंगे, पर अगर कोलिसिस फ्रैक्चर में गलती कर दी तो फिर फेल होने का चांस बढ़ जाए। ठीक है, तो देर आर टेस्ट विच आर वेरी रोबस्ट, दैट मींस इजी टू डिटेक्ट, उनमें कोई इंटर ऑब्जर्वर और इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन नहीं होता एंड दे आर वेरी क्लोज टू द गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, and there are tests
that are less robust. So naturally, in making a diagnosis, you should rely on tests that are more robust. So how do you test a test? The way to test a test is that choose a gold standard. That's the first thing. The second test thing is define your test well. अब यहाँ पे क्या है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई क्लिनिकल डायग्नोसिस है टीबी. एक तरफ हम कहते हैं कि स्पाइरल सीटी स्कैन है. तो तुम लोगों में तुम्हारी समझ में कौन सा ज्यादा रोबस्ट होगा, सीटी स्कैन क्लिनिकल डायग्नोसिस या सीटी स्कैन? हैं? क्लिनिकल डायग्नोसिस के फेवर में कौन है? हाँ जुड़ाओ भाई, बीच वाला नहीं होना है. क्लिनिकल डायग्नोसिस के फेवर में तीन लोग हैं, बाकी सब स्पाइरल सीटी स्कैन के फेवर में. ये दीपेंद्र बैठे हैं इसलिए कह रहे क्या? हाँ नहीं, हम क्लिनिकल डायग्नोसिस के फेवर में. क्यों हम क्लिनिकल डायग्नोसिस के फेवर में? इसलिए है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन मल्टीपल साइंस एंड इट इज नॉट अ स्नैपशॉट. स्पाइरल सीटी स्कैन तो स्नैपशॉट है, आज नहीं दिख रहा है कल हो सकता है दिक्कत, ठीक है. पर क्लिनिकल डायग्नोसिस और एग्जामिनेशन तो हिस्ट्री टेकिंग तो वीडियो पिक्चर है. तो वीडियो पिक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या स्नैपशॉट? वीडियो पिक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी कह सकता है. दूसरी बात, क्लिनिकल डायग्नोसिस तो मल्टीपल इंडिकेटर है. मान लो हम लोग महात्मा गांधी मैदान से एक व्यक्ति को उठा लेते जो बिहार का पटना में रहता है, कहते कि इसको टीबी है और टीबी नहीं है. तो ये टीबी इसको होने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं? जोर से बोलो, जोर से, कम ऑन. 2% क्यों? क्योंकि 2% प्रेवलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है. 100 लोगों को अगर उठाओगे तो 98 में टीबी नहीं होगी, 2 में होगी, क्योंकि 2% प्रेवलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है इन द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है. अब ये महात्मा गांधी मैदान से नहीं उठाया भाई, हमने एम पटना की ओपीडी से उठाया. घुस रहा था एम पटना के ओपीडी में, वहीं से उठा लिया. तो इसका मतलब कम से कम बीमार तो है, हेल्दी तो नहीं है. वो सब हेल्दी निकल गए, एम पटना के ओपीडी पे घुस रहा है इसका मतलब बीमार है. अब ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना. हो सकता है कि इस पॉपुलेशन में प्रेवलेंस 20% हो. अब दीपेंद्र जी के ओपीडी में दिखाओ, दीपेंद्र के ओपीडी में दिखा, अब 40% हो गए. क्योंकि ये जितने मरीज देखते हैं उनमें 40 में ट्यूमर प्रोसेस होती है, ठीक है. अब वो कह रहा है इसको 3 महीने से बुखार है. जो इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर है तो ये 60% हो गई. अब वो कह रहा है कि उसको 3 महीने से खांसी भी है और हेमोप्टिसिस भी हुई है तो 80% हो गई. अब वो कह रहा है कि उसके अपेक्स में लंग में
इनको ब्रॉन्कियल ब्रीदिंग मिल रही है और लास्टली वो कह देता है कि हमने एक इट्टी खाई थी रिस्पॉन्ड कर गए थे पर हमने बीच में छोड़ दी कंफर्म हो गई वीडियो पिक्चर है मल्टीपल इंडिकेटर्स है सस्ती है सेफ है इसलिए क्लिनिकल डायग्नोसिस सबसे पावरफुल डायग्नोसिस है और क्लिनिशियन एमआरआई का सीटी स्कैन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को भूलना नहीं कभी आज तक कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं बना है जो क्लिनिशियन से ज्यादा पावरफुल और तुम सब लोग क्लिनिशियन हो गए एमआरआई से 10,000 टाइम ज्यादा वैल्यू है ठीक है अगर एमआरआई 4 करोड़ कॉस्ट करता है 5 करोड़ कॉस्ट करता है 4-5 करोड़ कॉस्ट करता है तो मेरा एक क्लिनिशियन जो है वो 40 करोड़ का नहीं क्योंकि वो तो डायग्नोसिस के बाद इन्वेस्टिगेट और ट्रीट भी कर ले जाएगा ना और 70 साल तक करता रहेगा और उसकी कोई मेंटेनेंस भी नहीं है एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है इसलिए मेरा क्लिनिशियन सबसे ज्यादा पावरफुल पर तो चीज और खुशी आती है ये 2x2 टेबल देख रहा हूं तो इसके बारे में तो चीज और खुशी आती है क्या पूछी जाती है सेंसिटिविटी क्या है स्पेसिफिसिटी क्या है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो क्या है नेगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो क्या है और हम यहां पर नंबर दे देते हैं यहां नंबर दे देते हैं ये 60 है ये 40 है और ये 20 है ये 80 है अब तुम लोग जो है ये सारी चीजें मुझको बताओ कितनी हुई कौन कैलकुलेट कर सकता है कौन कैलकुलेट कर सकता है जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ तुम्हारे पास इस पे एक्सेलस है एक्सेलस फाइल चल सकती है स्पेसिफिसिटी इज दिस 80/120 एरो देख रहे हैं उनको एरो दिख रहा ना ये दिस इज सेंसिटिविटी एंड दिस इज स्पेसिफिसिटी ठीक है दिस इज पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड दिस इज नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अब कर लोगे कैलकुलेट एरो की टेल से हेड को हेड से डिवाइड कर दो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 60/100 नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 80/100 अब पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो क्या पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो को हम लोग इससे दिखा देते हैं पॉजिटिव ये सारी की सारी जो है दे आर लिमिटेड टू आइदर रोज और कॉलम्स बट लाइक्लीहुड रेशियो कंसिडर दिस एंड दिस बोथ देयरफॉर पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो इज दिस अपॉन दिस डिवाइडेड बाय दिस अपॉन दिस
positive likelihood. This upon this divided by this upon this. False positive rate. True positive rate divided by false positive rate. This positive likelihood ratio. And negative likelihood ratio is this upon this divided by this upon this. Sahi? Samajh mein aa gayi? ये लड़की सोई नहीं रात में, राइट? सो ये दिस इज टेस्टिंग अ टेस्ट. दिस इज हाउ यू टेस्ट अ टेस्ट. प्रोवाइडेड यू कैन कन्वर्ट योर सेइंग कि टीवी है या नहीं. जो वेरिएबल्स होते हैं ये केस वन है, ये केस टू है, ये केस थ्री, ये फोर, ये फाइव, और तुम कह रहे हो टीवी है कि टीवी नहीं है. हाँ, और अगर इसका जो है सम करो तो यहां लिखो कि टीवी जीरो का मतलब नहीं है, है ना, और वन का मतलब है. So you can convert it into 0, 1 or 2 numbers, either 0 or 1, either yes or no, and one rules out the other. Agar yes hai to no nahi hai, agar no hai to yes nahi. Iska matlab ye jo line hai ye badi rigid hai, it's a very rigid classification. Is tarah ke numbers ko kehte hain जिसमें की वैल्यू को कैसे भरी जा सके, जीरो वन, यस नो, एम आई है नहीं है, मरा नहीं मरा, इसको हम लोग कहते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. और क्योंकि खाली दो ही आंसर है इसमें, या है या नहीं है, एंड वन आंसर रूल्स आउट द अदर, तो सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज बायनोमियल वेरिएबल. स्प्रेडशीट तो मिल गया यार? नहीं ठीक है, और यहां पे कहें हम लोग रो टोटल्स आर टी, और ये कहें कि इज इक्वल टू सम, ये आता है करना तो लोग नहीं आता. दिस प्लस दिस ये हो गया, और इसी को कहें कंट्रोल सी, और यहां पे कहें कंट्रोल सी, इसके बाद कहें इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला दिस प्लस दिस, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सी, इसको मैं कंट्रोल सी, और इसको भी मैं कंट्रोल सी, ठीक है, और यहां पर दीजा कॉलम टोटल सी, ठीक है. अब हम लोग यहां पर कहें सेंसिटिविटी, तो हम कहें दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू सम ब्रैकेट खोला दिस डिवाइडेड बाय दिस,
ठीक है। अब हम कहें स्पेसिफिसिटी, गलत हो गया, एक काम करते हैं इसकी साइज बढ़ा लेते हैं जिससे आपको दिल में लगे। Surrogate against the gold trend.
ठीक है, और तुम रेस्ट एश्योर्ड, दो सौ छियालीस मेडिकल कॉलेज है इंडिया में, कोई जो है इसको इतना अच्छा नहीं जानता होगा जितना तुम जानते हो। नो अदर स्टूडेंट एमबीबीएस फ्रॉम एनीवेयर, कोई भी ये टेस्ट पे इतना बढ़िया नहीं करेगा, और कम से कम उसमें 10-15 सवाल जो है इसी पे होते हैं इन यूएसएमएलई, समझ गए। अगर यूएस जाना है तो ये जानना पड़ेगा, एंड वी कीप आवर टॉप ऑन दिस, इस पर आगे बोलेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वी हैव बिगन विद एबीसीडी, व्हाई शुड द पेशेंट कम टू यू, एंड यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्शन। अभी हम लोग एग्रीमेंट वाली बात भी करेंगे कि रोबस्ट टेस्ट कौन सा है, नॉट सो रोबस्ट टेस्ट कौन सा है, उसके मेजरमेंट्स क्या हैं, उसके बाद डायग्नोसिस ऑन डे वन एंड डे फोर। डे वन एंड डे फोर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट एंड विनक्रिस्टन, देन आइदर एड्रियामाइसिन, सॉरी ऑन डे वन विनक्रिस्टन मेथोट्रेक्सेट, ऑन डे फोर एड्रियामाइसिन और साइक्लोफोसफामाइड, on day 4. On the 9th day you ablate and then you repeat this 3 weekly for 8+ months. Alright? Sometimes what happens that ablation may mean amputation, or it may mean disarticulation. Since it is in a young person, therefore a new type of surgery has developed, and that surgery is called as limb sparing surgery. So this limb sparing surgery means that you try to save the limb. That means you, what do you do? This thing stops working. You do excision. You do excision just like here. And after excising, for example, if this is a tumor in the lower end of femur, you excise this. Excise this. So either you do reconstruction, or you radiate and re-implant, or you use an implant. You deconstruct or you deconstruct by implant. All 4 hours. Either you deconstruct, or you irradiate and re-implant, or you deconstruct by an implant. That means इसको लेके आपने रेडियोथेरेपी भेजा, इसमें 3000 रैड्स जो है इरेडिएट कर दिए, तो अब इसके अंदर जितने कैंसर सेल थे सब मर गए, तो उसी को लाके आपने रीइम्प्लांट कर दिया। उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि